अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर एक कॉल आता है कि रेसिडेंस के लिए तो वीडियोस बनता है, ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट हो, सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ, 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना ईएमआई, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 टू 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का, शॉप की हाइट 16 टू 18 फुट है, उसके अंदर भी मेज़नाइन स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कांवड़ियों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर उसी तरह से मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें कांवड़ियों की सामने आई हैं। ये तस्वीरें मेरठ की है, जहां एक कार में सवार 4 लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे और इसी में कांवड़िए से टक्कर हो गई। जल खंडित करने का आरोप लगाकर गुस्साए कांवड़ियों ने लाठी डंडों और से कार को तोड़फोड़ किया और इन लोगों को भी मारना शुरू किया। 3 लोग जान बचाकर किसी तरह से भाग निकले, मगर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उसे पिटाई करने लगे। ये मुस्लिम व्यक्ति विनती करता रहा, मगर फिर भी उसकी पिटाई करते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से कांवड़ियों को शांत कराया। पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि मामले की सुनवाई दोनों तरफ से की गई, मगर किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। एसपी साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है कांवड़िए खंडित हुई है कांवड़, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, आज थाना प्रतापपुर के थाने क्षेत्र में, ये थाना ये प्रतापपुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रहे थे, तो उसमें हल्की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके।